सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के 14वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न किए हुए हैं इनके उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार ही करने हैं। विश्वस्य श्रेष्ठतमेषु वैज्ञानिकेषु कः गण्यते। विश्व के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में कौन या किसकी गणना होती है? इसका उत्तर है जगदीशः, यानी जगदीश की। जगदीश चंद्र से जन्म कुत्र अभवत्? जगदीश चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ? इसका उत्तर है आपका बंगाल प्रांत, यानी बंगाल प्रांत में। महाभारत से किम पात्रम जगदीशम प्रेरियत? महाभारत के किस पात्र से जगदीश चंद्र प्रेरित थे? इसका उत्तर है आपका कर्णः, यानी कि कर्ण से। अयम महाभागः कुत्र चैतन्यम प्रतिपादयत्? यह महाशय कहाँ पर चैतन्य, यानी कि किसमें चेतना का इन्होंने प्रतिपादन किया? इसका उत्तर है पादपेषु, यानी पौधों में। का सोसाइटी तस्मै सदस्यताम प्रदत्तवती? कौन सी सोसाइटी ने उनके लिए सदस्यता प्रदान की? इसका उत्तर है रॉयल सोसाइटी। जगदीशः बोस संस्थानम कुत्र अस्थापित? जगदीश ने बोस संस्थान का कहां पर स्थापित किया? इसका उत्तर है कोलकाता नगरे, यानी कि कलकत्ता नगर में। इस प्रकार आप अपने पहले प्रश्न के उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्य अनुत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न किए हुए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। जगदीश चंद्र से जन्म कुत्र अभवत्? जगदीश चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर है जगदीश चंद्र से जन्म अविभाजते बंग प्रांते मीमेन सिंह नाम के स्थाने अभवत्। जगदीश चंद्र का जन्म अविभाजित बंगाल प्रांत में मीमेन सिंह नाम के स्थान पर हुआ था। सह उच्च अध्ययनार्थम कुत्र आगच्छत्? वह उच्च अध्ययनार्थ यानी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए? इसका उत्तर है सह उच्च अध्ययनार्थम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आगच्छत्। वह उच्च अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए। जगदीश चंद्रः कुत्र पादपेषु संवेदनानां पारदर्शयत्? जगदीश चंद्र ने कहाँ पर पौधों में संवेदना को प्रदर्शित किया? इसका उत्तर है जगदीश चंद्रः लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी सभागारे पादपेषु संवेदनानां पारदर्शयत्। यानी जगदीश चंद्र ने लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी के सभागार में पौधों में संवेदना को प्रदर्शित किया। जगदीशस्य पितरौ कीदृशौ आस्ताम्? जगदीश के माता पिता कैसे थे? इसका उत्तर है जगदीशस्य पितरौ धर्मपरायणौ आस्ताम्। जगदीश के माता पिता धर्मपरायण यानी धार्मिक आस्था वाले थे। अयम महाभागा कदा परलोकम आगच्छत्? यह महाशय कब परलोक गए? इसका उत्तर है अयम महाभागा 1937 तमे ईस्वीआब्दे परलोकम आगच्छत्। यह महाशय 1937 ईस्वी में परलोक में चले गए। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्यों के उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, विशेषाणि विशेषैः मेलयत्। विशेषणों को विशेष्यों के साथ मिलाइए। यहाँ पर आपकी सहायता के लिए मैंने क ख ग भी लिखा हुआ है। आपके इस वाले भाग में विशेषाणि सभी विशेषण लिखे हुए हैं, इस वाले भाग में विशेषाणि विशेष्य लिखे हुए हैं। आप इनका मेल कर लीजिए। श्रेष्ठतमेषु इसका मेल होगा ख वाले भाग के साथ, वैज्ञानिकेषु निखले का मेल होगा ग वाले भाग के साथ, विश्वे विश्व विश्रुतानाम इसका मेल होगा घ वाले भाग के साथ वैज्ञानिका नाम, महत्वपूर्णाः इसका मेल होगा क वाले भाग के साथ गणवेशना, अनेकान इसका मेल होगा आपका या वाले भाग के साथ प्रयोगान। इस प्रकार आप अपने विशेषण और विशेष्य का मेल कर लीजिए। विशेषण और विशेष्य में आपका एक नियम होता है कि जिस वचन जिस लिंग और जिस विभक्ति का आपका विशेष्य होता है उसी लिंग उसी वचन और उसी विभक्ति का आपका विशेषण भी होता है। प्रश्न संख्या 4 है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों में जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार ही आपको उत्तर चुनना है और अपने रिक्त स्थान में भरना है। जैसे असौ पादपेषु सचेतन त्वं प्रतिपादितवान्, अत्र असौ सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम्।
इन्होंने पौधों में सजीवता को प्रतिपादित किया। यहाँ पर जो असौ आपका सर्वनाम है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है आपका जगदीश चंद्र राय, यानी जगदीश चंद्र के लिए। गृहीत्वा इति पदे कहा प्रत्यय कश्चन धातु, जो आपका गृहीत्वा पद है इसमें कौन सा प्रत्यय और कौन सा धातु है? इसका उत्तर है आपका ग्रह प्लस कत्वा, यानी कि ग्रह आपका धातु है जिसका अर्थ है ग्रहण करना, कत्वा आपका इसमें प्रत्यय है। वसोहो रुचि वनस्पतिषु विशेषतो आवर्धत इत्यर्थ क्रियापदम किम्। वसु की रुचि वनस्पति विशेष में हुई, इसमें यहाँ पर क्रियापद आपको बताना है जो है आपका आवर्धत। सहा पादपेषु चेतनायाः गणवेशनार्थम अनेकान प्रयोगान आकरोत् अत्र कर्तृपदं किम्। उन्होंने पौधों में चेतना के खोज के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, यहाँ पर आपको कर्तृपद यानी कर्ता बताना है आपको इस वाक्य का, वह आपका है सह। रॉयल सोसाइटी तस्मै स्वेयां सदस्यतां प्रदत्तवती अत्र तस्मै सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम्। रॉयल सोसाइटी ने उनके लिए अपने यहाँ पर सदस्यता प्रदान की, इसमें आपको तस्मै जो सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है जगदीश चंद्र राय, यानी जगदीश चंद्र के लिए। तत्पितरौ धर्मपरायणौ आस्ताम अत्र विशेषण पदम किमस्ति, उनके माता पिता धर्मपरायण थे, यहाँ पर विशेषण पद आपको बताना है। इसका उत्तर है आपका धर्मपरायणों यानी कि धर्मपरायण। प्रश्न संख्या 5 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें कुछ पदों को रेखांकित किया हुआ है इस प्रकार, और उसके नीचे ऑप्शन में इन्होंने आपके प्रश्नवाचक पद दिए हुए हैं, तो आपको अपने रेखांकित पद के स्थान पर अपना प्रश्नवाचक पद चुनते हुए उसको वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे जगदीश चंद्रहा विलक्षण प्रतिभा संपन्नहा आसीत, यहाँ पर विलक्षण प्रतिभा संपन्न ये आपका रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आप कीदर्शहा चुनेंगे, आपका वाक्य बनेगा जगदीश चंद्रहा कीदर्शहा आसीत, इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जगदीश चंद्र कैसे थे। कर्णाः सफलतायै आजीवनं संघर्षम आकरोत्, कर्ण ने सफलता के लिए आजीवन संघर्ष किया, यहाँ पर संघर्षम आपका रेखांकित पद है, उसके स्थान पर आप किम पद प्रयोग करेंगे, वाक्य होगा कर्णाः, इसमें आप विसर्ग लगा लीजिए। कर्णाः सफलतायै आजीवनं किम आकरोत्, कर्ण ने सफलता के लिए आजीवन क्या किया? सः उच्च अध्ययनार्थं विदेशम आगच्छत, यहाँ पर उच्च अध्ययनार्थम आपका रेखांकित पद है, उसके स्थान पर आप किमर्थम करेंगे, वाक्य हो जाएगा सः किमर्थम विदेशम आगच्छत, वह किस लिए विदेश आए। वनस्पत्ये अपि दुखे क्रदन्ति, वनस्पति भी दुख में रोती है, यहाँ पर वनस्पत्ये आपका रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आप के पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपका वनस्पत्ये पद है यह आपका पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है, तो आप अपने किम सर्वनाम से पुल्लिंग के प्रथम विभक्ति बहुवचन वाले पद का ही प्रयोग करेंगे जो है के, वाक्य हो जाएगा के अपि दुखे क्रदन्ति, कौन भी दुख के समय रोते हैं। तत्र विशेषतः पादपानाम विषय अध्ययनम क्रियते सम, यहाँ पर पादपानाम आपका रेखांकित पद है, उसके स्थान पर आप केसाम पद प्रयोग करेंगे, वाक्य होगा का तत्र विशेषतः केसाम विषये अध्ययनम क्रियते सम, वहां विशेष रूप से किसके विषय में अध्ययन करते थे। वसु महाभागः देशस्य गौरवम् आवर्धयत्, इस वाले वाक्य में देशस्य आपका रेखांकित पद है, उसके स्थान पर आप कस्य पद प्रयोग करेंगे, वाक्य होगा वसु महाभागः कस्य गौरवम् आवर्धयत्। इस प्रकार आपके सभी वाक्य प्रश्न निर्माण वाले हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो इन्होंने आपको प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर भी आपको अपने पाठ के अनुसार ही देने हैं। जगदीशे समादयो गुणाः कथम आगच्छन्, जगदीश में समा आदि गुण कैसे आए? इसका उत्तर है आपका स्वभावतः, यानी कि अपने ही आप स्वभाव से आ गए, क्योंकि आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं कि जगदीश के माता पिता धर्मपरायण थे और अपने माता पिता के गुण उनमें अपने आप ही स्वतः ही आ गए। जगदीश महोदयस्य गृहे कीदृशं वातावरणम् आसीत, जगदीश महोदय के घर का कैसा वातावरण था? इसका उत्तर है धार्मिकम् यानी धार्मिक,
जगदीशः किमर्थं विदेशम् आगच्छत्, जगदीश किस लिए विदेश गए, इसका उत्तर है उच्च अध्ययनार्थम यानी आगे की पढ़ाई के लिए। जगदीश मतेन के दुखे मानवः इव क्रीडन्ति, जगदीश के मत से कौन दुख में मानव के समान रोता है, इसका उत्तर है वनस्पति यानी कि सभी वनस्पतियां। बोस संस्थाने विशेषतः केषाम् अध्ययनं क्रियते सन्, बोस संस्थान में विशेष रूप से किसका अध्ययन किया करते थे, इसका उत्तर है पादपनाम यानी पौधों का। प्रश्न संख्या 7 है, जगदीश चंद्र बोस से जीवनम अस्मभ्यम काम प्रेरणायाम यच्छति चर्चाम कुरुत, जगदीश चंद्र बोस के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, चर्चा कीजिए। आप अपने पाठ को समझ चुके हैं, उसके बाद आपने अपना बुक वर्क भी पूर्ण कर लिया है। अब आप जगदीश चंद्र बोस के जीवन से बहुत कुछ सीख चुके होंगे, तो आप उनके जीवन से क्या प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं, यह आपको चर्चा करनी है, या आप चाहे तो इसको लिखकर भी अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। क्रियाकलापः, क्रियाकलाप में है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो पद दिए हुए हैं उनका आपको उच्चारण करना है। आप मेरे उच्चारण करने के बाद इन सभी पदों का एक बार उच्चारण जरूर कर लीजिए। विलक्षण प्रतिभया प्रतिपाद्य धर्म परायण सहिष्णुता प्रेरियत उच्च अध्ययनार्थम गणवेशनार्थम विश्व विश्रुता नाम, इस प्रकार आप इनका उच्चारण कर लीजिए। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य है आपका भित्ति पत्रे जगदीश चंद्र बसो चित्रम संयोज्य तदुपलब्धि नाम विवरणम प्रस्तुयताम, चार्ट पेपर पर जगदीश चंद्र बसु का चित्र चिपकाकर उनकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसमें आपको एक चार्ट पेपर पर जगदीश चंद्र का चित्र लगाना है और उसके बाद आपको जो उनकी उपलब्धियां हैं वह आपको स्वयं लिखनी है। यह उपलब्धियां आप अपने पाठ से समझ चुके होंगे, इससे अधिक आपको इनके बारे में जानना है तो आप गूगल की सहायता ले सकते हैं। जगदीश चंद्र से जीवन वृत्तम पठित्वा संचिकायाम लिखत, जगदीश चंद्र बोस की जीवनी पढ़कर पुस्तिका में लिखिए, यह भी आपको स्वयं करना है। आपको जगदीश चंद्र बोस की जीवनी पढ़कर अपनी कॉपी में लिखनी है। जो आपके क्रियाकलाप और परियोजना वर्क होता है ये आपको स्वयं ही करना होता है, केवल मैं आपकी सहायता के लिए आपको समझा देती हूँ। इस प्रकार यह आपका बुक वर्क पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।